अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू शाहिद गुड फार्म। आज मैं शाहिद भाई के पास आया हूँ, बहुत लोग जानते हैं और शाहिद भाई का अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। सर्दियों में मैंने लास्ट वीडियो शूट की थी और इंशाल्लाह आज मैं शाहिद भाई का शौक दिखाऊंगा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इनके पास हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। थोड़ा सा शाहिद भाई से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और शाहिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सुमेर भाई थोड़ा सा बराबर में आ जाइएगा। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेर भाई बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाहिद भाई, वीडियो तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा मुझे यूट्यूब के बारे में, चैनल के बारे में अपना थोड़ा सा मुझे बताइए। भाई हमारा चैनल था शाहिद गोट फार्म दिल्ली के नाम से, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। और वो अभी कुछ मामला पीछे चल रहा था, कुछ सिलसिला कुछ लोगों के उसमें चैनल रिमूव करे गए थे। हाँ। तो उसी के अंदर हमारा चैनल उसमें भी रिमूव हो गया था हमारा चैनल। और काफी मतलब उस चैनल को ऊपर उठाने के लिए मेहनत भी की, बहुत मेहनत करी थी भाई, बहुत पैसे लगाए थे उसमें, बहुत मतलब लोगों की सेवा करी थी उसके लिए। तो उसी उस पर फिर हमने दूसरा चैनल बनाया था, तो वो दूसरा चैनल भी यूट्यूब ने किसी कारणवश वो भी रिमूव कर दिया था, लेकिन फिर हमने उसका मेल वगैरह डाला तो वो कवर हो गया वापसी। ठीक है, तो अभी वो किस नाम से है? वो शाहिद गोट फार्म दिल्ली के नाम से है भाई। शाहिद गोट फार्म दिल्ली के नाम। जी ठीक है, तो जो भाई भी शाहिद भाई से जुड़ना चाहते हैं, इनके इस परमानेंट चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। शाहिद भाई थोड़ा सा शौक बताएं लोगों के बारे में, किस टाइप का शौक कर रहे हैं आप? भाई मैं तो गुलाबियों का ही शौक करता हूँ हमेशा से ही, ठीक है। और बाकी जो है कोई एक आध बकरी कोई अगर पसंद की आती है, कोई बीटल वगैरह आ गई या मेवाती वगैरह आ गई तो वो डाल लेते हैं, बाकी तो गुलाबियों का ही शौक है अपना। ठीक है, साथ में आपने जो है थोड़ा सा ट्रेन जो कर रखा है वो सुमेर भाई को भी कर रखा है। जी जी अपने साथ थोड़ा सा माइक लेकर के उसमें उठ लेंगे। शाहिद भाई माशाल्लाह हमारे उस्ताद आदमी है, मैं शागिर्द हूँ शाहिद भाई का और माशाल्लाह इनके मशवरे से ही काम करता हूँ कि शाहिद भाई ये चीज हो या कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई टैबलेट भी पूछनी होती है तो शाहिद भाई से पूछता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसका नतीजा ये है कि रिजल्ट अच्छा मिला और सीखने को बहुत सारी चीजें मिली, अल्लाह के शुक्र से बहुत सारी चीजें मिली। और अभी तीसरे भाई जो है वो अनसब भाई आने वाले हैं। अनसब भाई वो उनके असल में कुछ प्रॉब्लम है, ससुर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उसमें लगे हुए, अल्लाह उनको शिफा दे। ठीक है, तो सुमेर भाई थोड़ा सा पहले आप ब्रीडर दिखाओ, माइक लगा लेना और फिर शाहिद भाई से बकरियों की डिटेल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये शाहिद गोट फार्म का ब्रीडर। अपने पास जो है सुमेर भाई, जब मैं आया था तो दो ब्रीडर थे। जी थोड़ा सा इसे पीछे ले लिया था बस, तो ताकि फ्रेम में आराम से क्लियर आ जाइए। ये देखो सब भाई, अभी लास्ट टाइम जब आप आए थे जब ठंड का टाइम था, विंटर था जब दूसरा हाईब्रिड भी था बकरा जब माशाल्लाह, तो वो तो माशाल्लाह सेल हो गया बकरा। अच्छा अच्छा, ये भारी था ना बकरा, मैंने शायद जो देखा था ये बकरा बहुत भारी था, इसको हल्का करा है। असल में ब्रीडिंग के टाइम इसको जब बकरियों पे चढ़ता था तो बकरियां गिर जाती थी, ये वीडियो में पता भी नहीं चल रहा होगा बकरा, पर माशाल्लाह हारिस भाई ये देखिए आप कितनी लेंथ ले रहा है कानों की। कान इसके 18 और 7 18 लंबान है, 7 चकलान है। फेस इसका पंच फेस में है, अंबर ब्रीड लाइन का बकरा है ये। अंबर ब्रीड लाइन, हाँ, लोग नाम असल में कह देते हैं अंबर, होता नहीं है, प्योर अंबर ब्रीड लाइन का बेटा है ये। इसकी अगर अंबर का बेटा है, अगर कोई इसकी परचेज करते हुए टाइम अगर कोई इसकी हिस्ट्री भी आपसे मांगे तो आप दे दोगे? बिल्कुल मिलेगी। इसकी माँ, इसका बाप, बाप तो इसका अंबर है, इसकी माँ किसके यहाँ से खरीदा गया था, कहाँ से आया था, सारी डिटेल इसकी दे देंगे। ठीक है भाई, वेट कितना ले रहा है सुमेर भाई? वेट इसमें तकरीबन होगा 85-90 के आसपास होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे थोड़ा सा दिखाओ आप। रिजल्ट माशाल्लाह दिखाता हूँ आपको। ये सारा रिजल्ट जो हारिस भाई, सोजत बकरी और हैदराबादी बकरा। ठीक है, ये जो आपने गोद में ले रखी है ये बिक चुकी है। ठीक है, ठीक है सुमेर भाई, थोड़ा सा माइक जो है आप शाहिद भाई को दे दें और आप थोड़ा बकरा ही दिखाना मुझे। शाहिद भाई अपने पास जो स्टार्टिंग रेंज रहती है बच्चों की वो कितनी रहती है? हारिस भाई असल में एक तो सारी चीज़ क्वालिटी के ऊपर है, अगर क्वालिटी थोड़ी सी देखो 21 होगी तो थोड़े से 2000-4000 रुपए का ही खेल होता है, बाकी जो है 14-15 हजार रुपए से अपने पास में बच्चे स्टार्ट। अभी जो ये जैसे पटिया थी अपनी, ये आपने जो बेची है मुझे आप थोड़ा सा इसका प्राइस बता दीजिए जो आपने बेच दी है। ये पटिया जो है ये 19 हजार रुपए की हमारी पटिया ये बिकी है। ये जाएगी कहाँ पे? ये जाएगी खजूरी बबलू भाई के पास में, खजूरी में बबलू भाई के पास। जी ये जो है सुमेर भाई के पास, ये नर है, ये अभी 3-4 दिन का बच्चा है जी अभी। ठीक है, इसका क्या हिसाब है? ये अभी सेल में नहीं है, बाकी अगर कोई कहेगा तो बाकी बुक कर देंगे बच्चों को, बुक कर देंगे। प्री बुकिंग भी आपके पास चलती जी है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए बच्चे की क्वालिटी देखिए भाई, देखिए इसकी माशाल्लाह
एक तो व्हाइट होती है और व्हाइट में भी ज्यादातर व्हाइट है, सिर्फ सिलाई जो होती है वो पूरी हल्की किसी ब्लैक है, पूरी व्हाइट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये बच्चा ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे ले लिए, ठीक है। ये सब सो जाता है, रिजल्ट आए हुए हैं। ये भी अभी बिकी है या नहीं? ये अभी तो दो तीन दिन के बच्चे, दो तीन दिन की हुई है जी। एक ये रही फीमेल इसमें, ये दोनों बहनें सगी। अच्छा अच्छा, तो अभी ये मतलब अगर कोई मांगेगा तो आप दे देंगे? हाँ ये बुक कर देंगे, अभी तो फिलहाल हम इतने छोटे बच्चे देते नहीं है, 12 महीने डेढ़ महीने। अच्छा ये जो बच्चा है शाहिद भाई, अगर कोई मतलब दो जैनुइन बंदा तो अच्छी चीज देगा, ये कितने प्राइस में अगर आपके हिसाब से जाएगा? ये तकरीबन 1-1.5 महीने बाद में हम इसे देंगे, जैसे दूध वगैरह पिला के, तो 18-18 हज़ार रुपये चली जाएगी। 18-18 हज़ार रुपये जी। और इसी में अगर नर बच्चे पे आए तो वो उसकी कीमत ज्यादा रहती है क्या? बस 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे होता है, वो भी क्वालिटी के ऊपर है। अगर क्वालिटी ऊपर है तो 1000-2000 बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर डाउन। 1-1.5 महीने से पहले बेचेंगे? 1-1.5 महीने बुक कर देंगे बच्चा, अगर किसी को चाहिए तो टोकन लगा करके बुक कर सकता है। ठीक है शायद भाई, बकरियाँ दिखाइए थोड़ी सी बढ़िया बकरियां। देखो हरीश भाई, आज मैं लोगों का शौक बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे कि आप वीडियो में कहते हो जी लोगों का शौक बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बकरी देखो जी, आप ये बकरी है जी जमजम, जमजम है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी बकरी है। और ये सोजत और गंगा पारी क्रॉस में, सोजत गंगा पारी बहुत जबरदस्त। ये लाडला मेरा जो लाडला था पिछले साल, ये उसका उसकी बच्ची है। ठीक है, और बहुत शानदार क्वालिटी के अंदर फीमेल है। तो ये आप अपने शौक के लिए रख रखी है? ये शौक की बकरियां जी, की बकरियां जी। बकरी दिखाता हूँ मैं आपको, आप बकरी चेक करें, माशाल्लाह शौक बढ़ेगा आज लोगों का इंशाल्लाह बहुत ज्यादा। चलिए शौक तो बढ़ाइए, और जिसको जो भी आप प्रीव्यू दूंगे वो आप शाहिद भाई से कांटेक्ट करें। ये रौनक है जी, रौनक बहुत जबरदस्त चीज है माशाल्लाह, सोजतों के अंदर क्वालिटी है। नहीं जैसा नाम है वैसी मतलब उसके ऊपर जज भी रहा है नाम। बिल्कुल बिल्कुल, सोजतों के अंदर क्वालिटी एंड बकरियां बिल्कुल। लीजिए आज बकरी दिखाता हूँ मैं आपको, माशाल्लाह मुंडी बकरी, मुंडी बकरी है, राजनपुरियों के अंदर आएगी, ये पाकिस्तानी अच्छी लेंथ की बकरी है। और आप चेहरा देखें बिल्कुल माशाल्लाह, और ब्राइटनेस देखें बकरी के ऊपर, और क्वालिटी देखें भाई, और ये देखें भाई बिल्कुल। बहुत बढ़िया शायद। तो ये अभी जितनी बकरियां आपने दिखाई है ये खाली है, भरी है? ये भरी हुई है बकरी, और बाकी जो है एक बकरी जो रौनक दिखाई थी वो क्या बना बकरी। इन बकरियों को देख सकते हैं आप, और ब्रीडर आपने देख रखा है। प्री बुकिंग के लिए आप शाहिद भाई से कांटेक्ट कर लेना, 4 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी बकरियां जैसी भी आएंगी ले जा रही भाई, आप बुक कर सकते हैं। दिल्ली के दिल्ली में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं भाई। देखो जी सोजत में क्वालिटी एंड बकरी माशाल्लाह, ये देखो जी, ये शाहिद भाई खाली है, भरी है? ये भरी हुई है। ये क्या वेट ले रही है इस टाइम? ये वेट होगा तकरीबन 55 किलो के करीब, 60 किलो के करीब। क्या इसका प्रीवियस मतलब कितने बच्चे वगैरह डालती है कुछ? ये अभी तीसरी भी आते है मेरे पास में, बकरी तकरीबन 4 किलो दूध की बकरी है ये। 4 किलो, और बच्चे हाँ। दो देती है बच्चे? अभी तो तीसरी भी आते है मेरे पास में, एक एक बारी में दो बच्चे दिए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद है दो बच्चों का इसकी झोल दिखाई दे रही है। ठीक है हाँ। तो इसमें से जो भी बकरियां वो देने की नहीं है? नहीं देने की नहीं है, बच्चे देने के हैं बस इनके। ठीक, बकरी और दिखाता हूँ मैं आपको, तो दिल्ली में जो भी व्हाइट बकरों का शौक करना चाहते हैं वो अक्सर परेशान होते हैं। ये हमारे हरीश भाई की सबसे फेवरेट बकरी है जी, माशाल्लाह। इसका पंच चेक करें अगर आप, ये हमारे हरीश भाई की सबसे फेवरेट बकरी है जी माशाल्लाह। और इसमें से इसका बच्चा भी हमने देखा था ना, बच्चा इसका यही था जो फीमेल थी जो चुकी है ना जी जी। ठीक है, ये लीजिए हरीश भाई, ये बकरी अभी ब्याई हुई है, अभी ये इसके ब्याई है बच्ची, ये अभी ब्याई है दो फीमेलों से। चेक करें आप ब्राइटनेस, चेक करें बकरी इसकी जड़ दिखा रहा हूँ आपको, जड़ जड़ से ही अंदाजा हो जाएगा आपको। ये देखिए माशाल्लाह, और हरीश भाई जड़ों की बकरियां हैं, ये देखिए आप इसकी जड़। और हरीश भाई ये देखिए जी भाई, ये है पतीरियों में क्वालिटी एंड बिल्कुल क्वालिटी एंड फुल क्वालिटी के अंदर पतीरी है ये। पतीरियों में थोड़ा सा जो है वो मुंह हल्का सा टेढ़ा वगैरह रहता है, थोड़ा सा कुछ है इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट रहता है मैंने सुना है, पतीरियों में हल्का सा मुंह जो है वो टेढ़ा हल्का सा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा पतीरी और सोजतों में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन इसके चेहरे में आपको और सोजतों के चेहरे में फर्क दिख जाएगा बिल्कुल जी।
लेकिन ये प्योर पतीरी है बिल्कुल, और बहुत अच्छी ब्लड लाइन की है। ये हर बकरी की मैं जड़ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको और इसकी क्वालिटी से अंदाजा हो जाए। अभी क्या बना रही भाई ये? ठीक है, और हारिस भाई ये मेरी खुशी है, ये भी माशाल्लाह भी आई है बकरी है, बहुत ये सोजतों के अंदर है, प्योर सोजत, बहुत प्यारी प्यारी बकरी है। और मैं इसकी खुशी की पठिया दिखाता हूँ आपको, ये इसकी पठिया है जी। माल आपका शायद में ज्यादातर जो है वो दिल्ली में बिकता है या बाहर भी जाता है? असल में एक तो दिल्ली के अंदर तो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली में ले लेते हैं, बाकी माल बाहर ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा है इस टाइम। ट्रांसपोर्ट हो रहा है जी। ठीक है, अभी फिलहाल अभी की बात करूं तो कुछ है सेल में? सेल में ब्रीडर है ना, सेल में ब्रीडर, सेल में ब्रीडर सेल में जी। एक बार दोबारा ब्रीडर पकड़ लिया। और ब्रीडर में तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ इसकी बकरे की, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। ना 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 हरीश भाई, ये जो इसके ऊपर ये जो आ रहा ना कलर, इस पे इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा वो, और बाकी जो है हाइट के हिसाब से आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह, बच्चा एक नंबर क्वालिटी का है। मार रहा 41 हाइट? हाँ 40-41 के करीब होगा, 40-41 के करीब। ठीक है, इसकी डिमांड वगैरह पर्सनल पे करेंगे या डिमांड बस लमसम लगती भी दे देंगे, बच्चे जो है 1,20,000 रुपए का दे देंगे जी, क्योंकि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई वीडियो बनाया तो यार रेट तो थोड़ा बताया। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं भी इसी उस पर रहता हूँ बिल्कुल, कि मैं कहीं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों को जैसे रेट की पता लगे, तो मैं 1,20,000 रुपए इसकी डिमांड है और इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा और इंडिया डिलीवरी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कुछ अभी बच रहा है जो हमने नहीं देखा है? भाई बकरियां तो बहुत सारी रह रही हैं अभी, जैसे कि ये एक ये बकरी रह रही है और बकरियां बहुत सारी रह रही हैं अभी, तो दिखाने को ये बकरी देख लें आप, तेरी सोजतों के अंदर आएगी, और ब्रीडर की क्वालिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इसे हाथ में रखना माशाल्लाह। लो जा रही इसकी आंखों पे एकदम काजल है। हाँ एक तरफ ये अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बकरा ईद के बाद में लोगों के अंदर थोड़ा सा वो लगता है बकरे बच्चे पालने बच्चे पालने, तो वो मतलब पहले ही बिक गए, वो पहले बिक गए सब। तकरीबन जितनी बकरियां हैं शाहिद भाई अपने पास 15-16 बच्चे तो आ जाते होंगे एक बार में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि असल में ज्यादातर जो है बकरियां इसमें दो बच्चे तीन बच्चों की बकरियां हैं। हाँ 10-12 बकरियां तो होंगी ना कम से कम, ये ज्यादा बकरी मेरे पास में 18-19 बकरियां, तो मेरे ज्यादा 20-22-24-25 बकरी भी बच्चे आ जाते होंगे ना। हाँ जी, क्योंकि अब तो बकरी जैसे सीनियर होगी दो वाली तीन में डाल लेगी और एक वाली दो भी डाल लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत मजा आया शाहिद भाई का शौक देख के, और एक दो तीन वीडियो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा, शॉर्ट्स में ब्रीडर दिखाएंगे और बच्चे जो सेल हो चुके हैं, और इनकी शाहिद भाई के पास मिनिमम रेंज कितनी शुरू होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, सीधा कॉल करके बच्चा बुक करो और आप अपने हिसाब से 1-2 महीने बाद आप उसको यहाँ से लेके जा सकते हैं। और अभी इस शौक में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ फीमेलों की इसमें कुछ असल में कुछ ग्राहक लग गए थे, तो फीमेल वगैरह कुछ खास थे जो ले गए, वो फीमेल वगैरह तो अब आएंगे, जैसे कि मैंने एक वसीम भाई के यहाँ फीमेल दी है, बहुत अच्छी बहुत बड़ी फीमेल थी वो, और भी 2-3 फीमेल जो मैंने अपने पास से यहाँ से दे दी थी लोगों को, और इंशाल्लाह मैं 2-3 फीमेल मेरे को इसमें करनी है, 20-1 बकरी करनी, ज्यादा बड़ा काम अब मेरे को करना नहीं है, 20-1 बकरी ऐसा काम करना बस। ठीक है भाई, शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके। अचल में एक चीज़ और, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बंदे को नंबर भी दिया था, तो उसने उससे कंप्लेंट करी कि आप फ़ोन नहीं उठाते भाई थोड़ा सा क्या मसला है ये यार, वो फ़ोन उठाने के यार हारिस भाई असल में लोग यार बिना वजह परेशान ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मतलब ये है सारा और कुछ नहीं है, तो भाई बात लेने देने वाली की बात नहीं है, बात ये है कि भाई सौदा लो मतलब उससे कोई मसला नहीं है, आप आके देख के सौदा लो, कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन असल में फिर लोग थोड़ा सा परेशानी पे ज्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका अब मैं व्हाट्सएप वाला नंबर डालूं या कॉलिंग वाला? आप नंबर दोनों डाल देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये है कि
कॉल करो अगर कोई जरूरत है तो कॉल करो, कोई मसला नहीं है उसका। अब लोग खामा खा के भाई बकरी जो है गोबर कर रही है, अच्छा मिंगन नहीं कर रही, ये है। और बकरी जो है क्या नाम है जी उसमें ये हो रहा है। अब आदमी थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा आदमी कहीं बैठा है तो थोड़े उस चीज देखना पड़ता है। और हर वक्त भी फोन आया वो भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी। अरे हारिस भाई 3-3 बार बैटरी चार्ज करनी पड़ती है फोन की। अच्छा हाँ ये है थोड़ा सा, ये चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आदमी कहाँ बैठा है, घर वालों के साथ है, बाहर किसी काम से है, कारोबार भी है अपने अपने। व्हाट्सएप करे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको, हाँ व्हाट्सएप पे जवाब जरूर दिया जाएगा, चाहे उसमें देर आपको 2 घंटे हो जाओ 4 घंटे हो जाओ, बहरहाल नहीं देख पा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जवाब जरूर दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के ऊपर जवाब जरूर दिया जाएगा आपको। दोनों नंबर डाल दूंगा, कॉलिंग का भी व्हाट्सएप का भी, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो शाहिद भाई से, ठीक है। और दुआओं में खास याद रखें भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।